नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज मैं आपको साहित्य की एक विधा से परिचय कराने के लिए आया हूँ। आज मैं आपको अपना एक रोमांचक अनुभव बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपको भी मेरे इस अनुभव में कुछ खुशी मिले और कुछ आपका आत्मविश्वास भी बढ़े। मैं अभी एक यात्रा पर गया था और उस यात्रा पर जाने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं बिना व्हीलचेयर के चलता नहीं हूँ, परंतु जिस वाहन से मैं गया था उसमें व्हीलचेयर को रख पाना बहुत ही असंभव था। वास्तविकता ये थी कि मैं एक लंबे टूर पर जाना चाहता था जिसमें मेरे एक पारिवारिक काम होना था, कहना चाहिए मेरे बेटे का मुंडन होना था, और जिसमें परिवार के सभी सदस्य जा रहे थे। तो बड़ी गाड़ी थी और बड़ी गाड़ी में बैठने के लिए और उसमें व्हीलचेयर का रख पाना संभव नहीं था। तो चलने से पहले मैंने अपने सभी लोगों से कहा कि ऐसा है कि मैं नहीं चलता हूँ, आप सभी लोग चले जाइए और करवा लीजिएगा, क्योंकि मेरे जाने से मैं बिना व्हीलचेयर के जाऊँ तो ये मेरे लिए तो अच्छा भी नहीं रहेगा बिना व्हीलचेयर के जाना, क्योंकि मैं गाड़ी में ही बैठा रहूँगा तो ये मेरे लिए संभव नहीं होगा कि मैं और कहीं घूम पाऊँ। लेकिन मेरे बड़े भाई मेरे इस बात से नाराज़ हो गए, बोले सब लोग जा रहे हैं तो तुम्हें भी चलना चाहिए, तुम्हारे बेटे का मुंडन है तो तुम नहीं चलोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और आप लोग करवा लीजिएगा। और इस तरीके से हम चल दिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बड़े भाई के मन में ये कहीं ना कहीं ये बात थी कि कुछ भी हो इनको हम ले जा रहे हैं और इनको हमें घुमाना भी है। हम मैहर देवी गए थे, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और पहाड़ों के ऊपर है, पर्वतों के ऊपर है। तो उस तीर्थ स्थल पर जब मैं जा रहा था, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरा तो यही मानना था कि मैं बैठा रहूँगा, तुम लोग जाओ अपने दर्शन करके आओ और आ जाओ। ये यात्रा संस्मरण है मेरा, ये भी एक साहित्य की विधा होती है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो गाड़ी को खड़ी करने के बाद मेरे भाई चले गए और वो जाने के बाद मोबाइल भी नहीं ले गए, और जाने के बाद 20 मिनट बाद लौट के आए तो वो बोले कि मैं व्हीलचेयर की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ कैसे व्हीलचेयर मिलेगी, क्या होगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं व्हीलचेयर की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि एक दरोगा जी मिल गए हैं और वो कह रहे हैं कि पहले अपने भाई को दिखाओ, यदि वो दिव्यांग है तो हम तुम्हें गाड़ी को आगे जाने देंगे, नहीं तो आगे नहीं जाने देंगे। फिर हम गाड़ी ले कर मुड़े वहाँ से और आगे जब पहुँचे तो वहाँ पर दरोगा जी ने फिर रोका, दूसरे और दरोगा लोग थे, वो लोग भी भाई उनका धर्म होता है, उनकी ड्यूटी होती है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे रोका। लेकिन जैसे ही वो दरोगा जी मिश्रा जी थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा फिर उन्होंने कहा ठीक है ये दिव्यांग है तो इन्हें आगे जाने दो। तो एक बाधा हमने पार कर ली और जब हम आगे गए तो आगे जाने के बाद जिस तरीके से तीर्थ स्थलों में लोग जुड़ जाते हैं अपने अपने चीज़ों को बेचने के लिए, इसी तरीके से प्रसाद बेचने वाला एक व्यक्ति हम लोगों के संपर्क में आ गया। तो वो बोला आप मेरे साथ आइएगा, हम मैं आपको व्हीलचेयर दिला दूंगा। तो प्रसाद से ज़्यादा अब हम लोग फोकस कर रहे थे व्हीलचेयर पर कि व्हीलचेयर मिल जाएगी तो हम लोग, बहुत ऊंचा पर्वत दिख रहा था मुझे कि तो हम लोग चढ़ जाएंगे इस पे। फिर किसी तरीके से उस प्रसाद वाले ने अपना प्रसाद तो हम लोगों को दिया, जो कि हमें खरीदना भी था, लेना था, और फिर उसने मेरी व्हीलचेयर की व्यवस्था कराई। और वो प्रसाद वाला लड़का खुद मुझे व्हीलचेयर से लेकर उस जगह तक छोड़कर आया जहाँ से रोप वे शुरू होता है पर्वत पे चढ़ने वाला। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो बड़ा, एक तो ये खुशी हो रही थी कि चलो व्हीलचेयर मिल गई और यहाँ पे हमारी भी यात्रा पूरी हो रही है, कि मतलब अधूरी नहीं है कि मैं अकेला गाड़ी में बैठा रहता। फिर मैं ये और परिवार के सभी सदस्य जो थे वो तो नॉर्मल रास्ते से आ रहे थे, लेकिन मुझे VIP पैसेज मिला और उस VIP पैसेज से होते हुए फिर मैं रोप वे से होता हुआ ऊपर पर्वत के पहुंच गया। मुझे अपनी लाइनें याद आ रही थी कि मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूं, तुम मानो या ना मानो। जब मैं ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ने के बाद अष्टमी का दिन था, दर्शन होना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब देखा कि भीड़ ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, तो मैंने फिर विचार किया कि अब मैं व्हीलचेयर से उतर के मैं खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ूँगा, जिस तरीके से मैं ज़मीन पर चलता हूँ, और ऊपर स्वयं दर्शन करने जाऊँगा। जब मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ किया तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक
वहीं की मध्य प्रदेश पुलिस का एक जवान मेरे पास आया, बोला चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, आप मेरे कंधे पे आ जाओ, मैं आपको ले चलूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। मैं चलने लगा और वो मेरे साथ साथ चलने लगा। धीरे 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 जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते गए, मतलब लगभग 15-20 सीढ़ियाँ रही होंगी, जब हम चढ़ गए तो ठीक वो मेरे सामने आके फिर उसने हाथ अपना रोक दिया और कह दिया अब कोई अंदर नहीं जाएगा, अब इनको पहले दर्शन करने दो, उसके बाद ही कोई अंदर जाएगा। जब मैं बिल्कुल गर्भगृह तक पहुंच गया तो वहां पर दर्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा था और मैं ज़मीन से ऊपर देख नहीं सकता था, तो वहां पर भी 3 पुलिस के जवान खड़े हुए थे और उन 3 जवानों ने मुझे उठा लिया और उठाने के बाद मुझे बहुत अच्छे से दर्शन कराए। तो पुलिस के बारे में जो भ्रांति होती नहीं कि पुलिस, आखिर वो भी इंसान होते हैं और पुलिस वाले भी अच्छे इंसान होते हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे दर्शन कराए। तो ये मुझे एक बड़ा ही एक रोमांचक अनुभव लगा कि वहाँ पर मैं गया और उसके बाद मुझे वो पुलिस का जवान मिला, ऊपर तक पहुँचा और फिर गर्भगृह तक पहुँचा, वहाँ पे दर्शन कराए। तो ये अपने आप में मेरे लिए, मैं दर्शन कर आया, करने के बाद फिर मैं उतर भी आया, वहीं पर मंदिर परिसर में मैं बैठा रहा। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई लोगों को फ़ोन लगाना शुरू किया, तो फ़ोन लगाने पे पता चला कि वो लोग लाइन में लगे हैं। तो जो लोग मेरे लिए व्हीलचेयर लाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए लगे हुए थे, तो वो लोग अभी भी लाइन में लगे हुए थे, वो लोग अभी भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरीके से मैं ऊपर आऊँ। तो मैंने तो दर्शन कर लिया, उसके लगभग 1.5 घंटे के बाद मेरा और मेरे फैमिली के सभी लोग 1.5 घंटे के बाद ऊपर आ पाए और तब उन्होंने दर्शन किए और मुझे दर्शन इतनी आसानी से, इतनी अच्छे से मिले। ये मतलब एक ऐसा अनुभव रहा जिस अनुभव को, मतलब जो मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा, कैसे जाऊँगा, और उसके मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी। उसके बाद मैंने फिर नीचे आके फिर और भी जो राइचुअल्स होते हैं वो पूरे करे, अपने बेटे का मुंडन कराया, तब तक मैंने व्हीलचेयर नहीं दी। फिर वहाँ से चलने के बाद फिर मैंने व्हीलचेयर को जमा कर दिया। उसके बाद फिर अब मुझे चित्रकूट आना था, चित्रकूट में कामतानाथ की परिक्रमा करनी थी। तो उसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर चुका था कि परिक्रमा मुझे नहीं करनी है, मैं गाड़ी पर बैठा रहूँगा, क्योंकि जो काम के लिए हम गए थे वो काम हो गया था और परिक्रमा 7 किलोमीटर की, अगर हम नहीं भी करेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और भगवान ने तो मुझे देख ही लिया होगा और भगवान के हमने यहीं से दर्शन कर लिए, इत्यादि अलग अलग बातें सोच के मेरे दिमाग में आ रही थी। तो जब मैं चित्रकूट पहुंचा और चित्रकूट पहुंचने के बाद गाड़ी को भैया ने पार्क कर दिया, पार्क करने के बाद ये सभी लोग उतर भी गए और मैं और मेरी माता जी, ये दोनों लोग, हम दोनों लोग गाड़ी पे बैठे थे, वो वृद्धावस्था के कारण बैठे नहीं और मैं अपनी दूसरी समस्या की वजह से, हम दोनों लोगों ने सोचा ये लोग 1.5 घंटे में लौट आएंगे परिक्रमा करके, तब तक हम लोग यहीं पे गाड़ी में बैठे रहेंगे। और इन लोगों के जाने के 5 मिनट बाद ही एक फ़ोन फिर आ गया कि अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे लोग व्हीलचेयर लिए खड़े हुए हैं और व्हीलचेयर आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, अगर आप चाहो तो आप भी परिक्रमा कर लीजिए। एक बार की तो मैंने मन में किया कि नहीं हम नहीं जाते हैं, तुम लोग जाओ, लेकिन इससे पहले कि मैं और कोई जवाब दे पाता, ये लोग व्हीलचेयर वाले को लेकर आ गए। और वहाँ पे वास्तव में वहाँ पे 250 रुपये में 7 किलोमीटर की परिक्रमा, मतलब कहना चाहिए कि सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली गई। और वहाँ पर भी मैंने 7 किलोमीटर की परिक्रमा अपनी माताजी के साथ, फिर एक व्हीलचेयर पे मैंने उनको भी बिठाया, और व्हीलचेयर ना ले जाते हुए भी मैंने पूरा अपनी यात्रा का जो आनंद था वो लिया और मुझे बहुत ही रोमांचक अनुभव हुआ ये यात्रा संस्मरण का। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस संस्मरण को आपके साथ भी शेयर करूँ, और निश्चित रूप से मेरी बातें आपको अच्छी तो लगी होंगी, अगर अच्छी लगी हो तो आगे और लोगों को भी सुनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।